हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसको कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, पूर्ण इसको व्याख्या इसके साथ इसको सॉल्व कराया जा रहा है, हल कराया जा रहा है। ठीक है, ये संस्कृत का पार्ट चल रहा है, लैंग्वेज थर्ड संस्कृत। जिन जिन लोगों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट में संस्कृत को लैंग्वेज फर्स्ट में अगर सेलेक्ट किया होगा, तो उन लोगों के लिए ये पार्ट है संस्कृत का। ठीक है, अगर उन्होंने संस्कृत को लैंग्वेज फर्स्ट में सेलेक्ट किया होगा तो ये पेपर उनके लिए है। और इसके पहले के क्वेश्चंस को, इसके पहले के पार्ट को सॉल्व कराया जा चुका है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं उन सारे वीडियो के, पिछले वीडियो के, और या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चंस आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। ये 36 नंबर क्वेश्चन है, 35 तक का क्वेश्चन, 31 से 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा चुका है इस पार्ट का, संस्कृत का। ये भाग ये चौथा भाग है इसका। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। मातृभाषा शिक्षणस्य ज्ञानियो देशु निम्नलिखितेषु किम नास्ति। ओके, किम नास्ति, ठीक है, ये है क्वेश्चन। और इसमें ये आंसर, इसमें ये दिया, सॉरी आंसर ये ऑप्शन में दिया गया, आपको सही राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, तो अब देखिए इसका राइट आंसर इसमें होगा 36 का, ये वाला क्वेश्चन का इसका रही सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ओके, कि उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, तो ठीक है, उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम नास्ति। मातृभाषा शिक्षणस्य ज्ञानोदयेषु भाषायां विभिन्न प्रकाराणां लेखनानां विषयज्ञानार्जनं भाषातत्त्वानां पर्याप्त ज्ञानम् अथवा विषय वस्तुनः ज्ञानार्जनम् अस्ति, उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम् नास्ति। ओके, तो ये देखिए हो गया इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखितेषु का वा शिक्षण पद्धति टीचिंग मेथड अस्ति, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इसका होगा सही, सर्वा अपि पद्धतया। ओके, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त, डी यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री एतदर्थम उपयुक्ता भवति, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन ए वाला ही सही आंसर हो जाएगा इसका, शुद्ध उच्चारण रार्थम। ठीक है, ये इसको क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए पूरा, ठीक है, वीडियो आगे बढ़ा के क्वेश्चन आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, ऑप्शन चारों देख लीजिए, इसमें ये इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण रार्थम। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग शुद्ध उच्चारण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला है उपचारात्मक पद्धति रेमेडियल कोचिंग इति, ये क्वेश्चन हो गया और ये चारों ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा इसका भी आंसर, समस्यानाम निवारणे विजयम प्राप्यति, अर्थ इसका क्या होगा कि उपचारात्मक पद्धति समस्याओं का निवारण करने में विजय को प्राप्त करती है। ठीक है, अगला देखिए है भाषा शिक्षणे बलहीन विद्यार्थीनां कृते अत्यंतम उपयुक्ता पद्धति का, ठीक है, ये है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगति शिक्षणम। ओके, इसका अर्थ क्या होगा कि भाषा शिक्षण में बलहीन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयुक्त पद्धति व्यक्तिगत शिक्षण है। अगला है भाषा शिक्षणे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनार्थम एतदनिर्वाय यत तच्च, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सर्वमपि, ठीक है, मतलब उपर्युक्त सभी, तो इसका ये वाला ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए निम्नलिखित एषु किं भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यं नास्ति, तो ये इंग्लिश हो गया इसका, ये चारों ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लेखन दक्षता, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग। और इसका अर्थ मतलब अर्थ होगा इसका कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत सृजनात्मकता, विचार, अभिव्यक्ति तथा भाषा अधिगम आते हैं तथा लेखन दक्षता भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है भाषा कौशल संदर्भे किम वाम कथनम सत्यम नास्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाला श्रवण भाषण पठन लेखन क्रमेणायो भाषाम अधियन्ते। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाला ताम भाषाम बहु शीघ्रम शिक्षयन्ति यस्याः व्याकरणम् सह या सा न जानती कस्य वचन मिदम। ओके, ये देखिए ये ऑप्शन है चारों, तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले इत्यस्य। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों, कक्षायाम अध्यापन समये विद्यार्थिन कठिन प्रश्नान सशयाश्च पृच्छन्ति चेत भवान या भवती किम करोति, तो फिर उसके बाद ये ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी वाला सही आंसर इसका होगा, वो आप लोग देख लीजिए। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखिए क्या है, ये देखें ऊपर ये यहाँ पे इसका पूरा ये नोटिफिकेशन दिया है कि आधुलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 46-54। ओके, इसको रीड कर लीजिए पूरा आप लोग, पैसेज है, पैसेज से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सेम फॉर्मेट है पूरा, तो ये पूरा पैसेज हम स्क्रॉल अप कर रहे हैं, आप इसको ओके आप इसको वीडियो आगे बढ़ा के पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जीमूत केतु कम आराध्यम आराध्य पुत्रम प्राप्रोत, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कल्पत रूम, तो इसका अर्थ यह होगा इस गद्यांश है जो दिया गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि राजा जीमूत केतु ने कल्पतरु नामक वृक्ष की आराधना और पूजा की तथा उसी वृक्ष के आशीर्वाद से जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर रोकती हूँ, इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे, जुड़े रहिए इसी चैनल से, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन जरूर से ऑन रखिएगा तब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर से इसको एक लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी अपने फ्रेंड्स में, जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी तक इसको पहुँचाइए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर से सॉल्व करके जाइएगा, आप लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस पेपर को आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।